बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने एबॉर्टिव प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने इसको पढ़ा। इस लेक्चर में हमने फॉर्मेल्डिहाइड को तैयार करना है इंडस्ट्रियल मेथड से। दो मॉलिक्यूल हमने देने हैं मिथानोल के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड सिल्वर कैटलिस्ट एट 300 सेल्सियस। तो हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड 2C2HC++H प्लस दो मॉलिक्यूल वाटर के वो भी लॉन्ग था ये भी लॉन्ग है। ये है एसीटैल्डिहाइड। इसके अंदर हमने सबसे पहले इस विसल को हीट देनी है, जिस विसल के अंदर हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 है। अब इस विसल के दो पार्ट है, एक जो है उसके अंदर से हमने ये इथानॉल CH3CH2OH को कहते हैं इथानॉल, ये ऐड करना है, और सोडियम डाइक्रोमेट, इसको कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, ये ऐड करना है। जब ये इसके अंदर ऐड होंगे तो इसके अंदर एक विग्रस रिएक्शन हो जाएगा। विग्रस रिएक्शन का मतलब बहुत तेजी वाला रिएक्शन, बहुत तेजी से एक रिएक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जब ये इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे एक लगा हुआ है कंडेंसर, जिसके अंदर वाटर एक साइड से वाटर कंडेंस होती है, एक साइड से आइस कोल्ड वाटर जो है वो निकलती है। और ये एक विसर के अंदर आगे गिर जाएगा, जिसके अंदर हमें चाहिए था एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन कैसे हुआ, असल में रिएक्शन में हमारे पास दो मॉलिक्यूल हम लेंगे CH3CH2 को कहते हैं ये एच, OH को कहते हैं ओल, तो इथानॉल के दो मॉलिक्यूल लेंगे प्लस O2 यानी एयर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। जब हमने सोडियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट H2SO4 के अंदर हमने ये जब डाला है तो ये विग्रस रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। अब वो विग्रस रिएक्शन हमें क्या प्रोडक्ट देता है, दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड CH3CH2 हाइड्रोजन के बस दो मॉलिक्यूल ही वाटर के, ये हमारा ये रिएक्शन बस थोड़ी सी थ्योरी वो ऐसी जैसे मैंने बोला वैसे लिखेंगे थ्योरी और ये डायग्राम और साथ में रिएक्शन। अब इसी का दूसरा पार्ट है कि अगर हमें एसिटाल्डिहाइड को अगर हमें प्योर फॉर्म के अंदर ये चाहिए तो हम इसकी दोबारा डिस्टिलेशन करवाएंगे, यानी रीडिस्टिलेशन करवाएंगे। अब रीडिस्टिलेशन होगी ड्राई डिस्टिलेशन भी से कहते हैं, जब हम कैल्शियम साल्ट जो है फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड लेंगे, व्हेन द कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एंड एसिडिक एसिड कंबाइन टुगेदर, कंटीन्यूअस कंबाइन करेंगे एंड हीट और उसे गर्म करेंगे, एसिटाल्डिहाइड है वो बन जाएगा। इस प्रोसेस से कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन। CH3CO2 और ऑक्सीजन CA फिर CH3CO2 ऑक्सीजन, ये वाला CA इस ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के साथ ऐड। अब हमें पता है इस मॉलिक्यूल का नाम है एसिटिक एसिड, हमने एसिटिक एसिड और साथ में जो है फॉर्मेल्डिहाइड को लिया है, ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और इसको एसिटिक एसिड को लिया, अब इसको हमने दोनों को कंबाइन करना है, वो कंबाइन कैसे करेंगे, ये है एसिटिक एसिड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के हाइड्रोजन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है, और पीछे क्या रह गया, दो मॉलिक्यूल CaCO3, वो कैसे, एक मॉलिक्यूल ये सी ए का, एक मॉलिक्यूल ये सी ए का, दो सी ए और CO3 के भी दो मॉलिक्यूल, सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन एक और साथ में ये वाला ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल CO3 का ये हो गया CO, ये CO3 का दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, तो दो मॉलिक्यूल ही सी ए के और दो मॉलिक्यूल ही CO3 के हमारे पास मॉलिक्यूल। ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल मेथड जो है ऐसे कर लिया है तो वो पढ़ेंगे और साथ में दो तीन शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए।